राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्र सड़कों पर लेट गए और वाहनों को आने जाने से रोक दिया। देखिए, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता भंग की कर दी गई, रद्द कर दी गई है, और कल सूरत कोर्ट ने जिस तरह से तीन तीन जज बदल कर नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारे पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई है, इसके विरोध में ये सजा सिर्फ इसलिए सुनाई दी गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अडानी के बारे में संसद में राहुल गांधी जी मुखर होकर बात करते हैं, अडानी के घोटालों के बारे में बात करते हैं। इस कारण से नरेंद्र मोदी ने संसद की सदस्यता भंग की है। हम लोग इसके विरोध में आज इलाहाबाद युवा कांग्रेस सड़कों पर निकलकर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और सड़क जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन कराया है। अगर उनकी संसद सदस्यता जल्दी वापस नहीं की जाती है तो हम पूरे भारत में सड़क आंदोलन करेंगे। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रयाग। वहीं इस हंगामे को देखकर मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रहा। हालांकि घंटों तक पुलिस प्रशासन के मान मनोबल के बाद छात्रों ने जाम हटा दिया।